देखिए राजधानी पटना के सचिवालय हॉल्ट पे एक साथ लोहार जाति के तमाम लोग हैं, वो पहुंच गए, हाथों में हथौरा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में हथौरा है। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे। हाथ में हथौरा लेकर आप लोग हॉल्ट पे क्यों पहुंच गए हैं, क्या हुआ है? रेल रोकने के लिए तो कुछ भी नहीं समझते, ट्रेन रोकने के लिए पहुंचे हैं। आंदोलन कर रहे हम लोग का जाति को सुनिश्चित चलाना है। जातीय जनगणना में हम लोग को एक स्वच्छ और हम लोग का पर्सनल जाति कोड नहीं मिला है। मिला है जाति कोड, पर्सनल जाति कोड हम लोग को नहीं मिला। हम लोग का दूसरे जाति में शामिल कर दिया गया, उसके लिए हम लोग आंदोलन करने पहुंचे हैं, ट्रेन रोकने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, हिंदी में जितेंद्र और अंग्रेजी में जितेंद्रा होता है, सेम उसी तरह हम हिंदी में लोहार हैं और इंग्लिश में लोहरा है। और ये केंद्र सरकार जो कोर्ट में क्या करा है, लोहरा जो है हिंदी में बना दिया है। लोहरा जो है पूरे बिहार में कोई जाति नहीं है। हमारा जो संविधान जो एसटी का जो दर्जा दिया हुआ था बिहार सरकार, वो छीन लिया है। कोर्ट वाला क्या मामला है? कोर्ट हम लोग कमार नहीं है, हम लोग लोहार हैं। संविधान में क्या एति में खतियान में हम लोग जाति में लोहार हैं और ये हमको कमार बना रहा है बिहार सरकार। कोर्ट कोई उपलब्ध नहीं है लोहार का, कोई भी दिया गया हथौड़ा लेके गए पहुंचे। लोहार इस देश का मूल निवासी है, संविधान निर्माताओं ने लोहार को एसटी में रखा था और एसटी शुरू से हम लोगों को एसटी से वंचित रखा गया। और जब 2016 में एसटी का दर्जा दिया गया, उसके बाद 5 साल के बाद हम लोगों को फिर से हटा दिया गया। जब हम लोगों ने एसटी का लड़ाई कोर्ट में लड़ने के लिए फाइट किया, तो इस लड़ाई से वंचित लड़ाई से हम लोगों को हटाने के लिए कमार के कैटेगरी में लोहार को रखना चाहती है बिहार सरकार, कि ताकि हम लोग एसटी का लड़ाई नहीं लड़ पाए। बिहार सरकार आप लोग को कमार जाति के साथ रख दिया। लोहार इस देश का मूल निवासी है और लोहार की आबादी 45 लाख है और कमार की आबादी 25,000 है बिहार में। लोहार का उपजाति है कमार, कमार उपजाति लोहार का नहीं है, लोहार कमार का उपजाति नहीं है। तो हम लोगों को लोहार का हम लोगों को अलग से सूचित मिलना चाहिए। हम लोग हथौड़ा लेके कहाँ पहुँच गए? हमारा पहचान है, हमारा हमारा हथौड़ा पहचान है। यहाँ क्यों पहुँचे? रोकने के लिए, ट्रेन रोकने के लिए। ट्रेन रोकेंगे? ट्रेन रोकेंगे काहे रोकेंगे? हमारे हक के लिए मांगेंगे, कोर्ट में मांगेंगे। ट्रेन रोकेंगे, इतना सारा पुलिस भगा देगा? पुलिस भगा देगा, पुलिस से लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, उससे कोई फर्क, लेकिन हमें अपना मांग पूरा चाहिए। हमारा जाति कोड सुनिश्चित करे, हमें जाति से वंचित नहीं। कुछ और हम आगे कुछ और लोग हैं, उन लोग से भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से पोस्टर लेकर के लोहार जाति जो लोग हैं वहाँ पहुँचे, क्या मांग है आप लोग? हम लोग का जाति का मांग है, लोहार जाति का मांग है हमको, लोहरा। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि सरकार हम लोग के साथ अनदेखी कर रही है। देखिए कुछ लोग और कुछ लोग हथौड़ा लेकर यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं, हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे और पुलिस इन लोगों को रोकने में लगी है, हथौड़ा लेकर पहुँच गए हैं, क्या मांग है? ये हमारा प्रतीक है, इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, इसीलिए अपना हथौड़ा अपने साथ लेके आया है। हमारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार अनुसूचित जनजाति का, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। और जो जातीय जनगणना हो रहा है उसमें हमारे जाति को विलुप्त किया जा रहा है, हमारे जाति का मूल कोड नहीं दिया गया है, हमें कमार जाति में घुसाया जा रहा है जबरदस्ती। चलिए तो देखिए जाति जनगणना में है, इनका मूल कोड नहीं दिया गया है, इनका कहना है कि कमार जातियों में इन्हें घुसाया जा रहा है। इसको लेकर के जो लोहार है बिहार के, वो पटना के सचिवालय हॉल्ट पहुंचे और ट्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और साथ ही इनके हाथों में देखिए किस तरीके से ये लोग हथौड़ा लेकर पहुंचे और कह रहे हैं कि ट्रेन को हम लोग रोक देंगे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।